हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम एस नॉलेज हब। आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने वाला हूँ। आज हम जो चाइना की पॉलिसी है कोरोना वायरस पे, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको कुछ कवर किया है जो मीडिया में न्यूज़ चल रही थी काफ़ी लंबे समय से, और चाइना की जो पॉलिसी कोरोना वायरस पे है, क्या ये एक साजिश है चाइना की, क्या दुनिया को नीचे दिखाना, या जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसमें चाइना को उभारना, और जो बड़ी शक्तियां हैं अमेरिका यूरोप, सारे यूरोप को इन्होंने घुटने पर ला दिया है। तो ये क्या चाइना की साजिश थी, या एक ये एपिडेमिक ही मानी जाएगी कि महामारी है अचानक, ये चाइना की इसमें शुरुआत में साजिश रही हो सकता है, अब उनके हाथों से ये सब कुछ नहीं, उनके हाथों से बाहर हो चुका हो। तो सारी बातों पर डिस्कस करने वाला हूँ, तथ्यों के साथ मैं बात करूंगा आपसे, और बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए। देखिए, चाइना का में भी कोरोना वायरस के पेशेंट कम नहीं है, वहाँ भी दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और उसका जो कोरोना वायरस का आउटब्रेक बहुत ज़्यादा है, हर देश में देखने को समय मिल रहा है। तो बात करते हैं दुनिया का जो ये कोरोना वायरस है इस समय, इस पर चाइना का क्या फंडा है, क्या राजनीति चाइना की पीछे है, क्या उनकी पॉलिसी रही है, कैसे कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। देखिए, इसे शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए, जिस तरीके की एक्टिविटी चाइना कर रहा है और करता आ रहा है, तो उसी सब को देखकर तो लगता है कि चाइना ने कहीं ना कहीं इसे एक साजिश है, और चाइना ने इसे अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए इसे कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया है। उनकी ये सोची समझी एक रणनीति रही होगी। जिस तरीके के जो मीडिया से न्यूज़ आ रही है, चाइना यूएन की अभी बैठक में भी चाइना ने ब्लॉक कर दिया कि यूएन की बैठक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपने यहाँ का डाटा नहीं दे रहे हैं पूर्ण रूप से, क्या वहाँ चल रहा है, किस तरीके वहाँ वायरस होते हैं, वहाँ जैविक हथियार बनाए जा रहे हैं, ये सब बहुत सारी बातें मीडिया में आ रही थी, इन्हीं पर सब पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए सबसे पहले चाइना ने क्या करा होगा, अगर ये अनुमान लगाया जाए इन मीडिया की खबरों के अनुसार, तो सबसे पहले चाइना ने एक जैविक लैब बनाई होगी, उस जैविक लैब में इन्होंने वायरस का परीक्षण कर रहे होंगे। हो सकता है ये जो वायरस है कोरोना वायरस, अब जो बताया जा रहा है, चाइना न्यूज एजेंसी तो बताती है कि चमगादड़ के सूप वगैरह से आया है, मगर जो अमेरिकी रिपोर्ट्स हैं और अमेरिकी जितने भी विशेषज्ञ हैं या और देशों के जो चाइना के क्लोज मित्र नहीं हैं, मतलब उसके खिलाफ रहते हैं, तो उन सबका मानना यही है कि चाइना अपने जैविक हथियार बनाने में लगा पड़ा था। उसने वायरस को बनाया, और बनाने के बाद इसकी वैक्सीन और इसका एंटीडोट भी उन्होंने बना रखा है, यानी एंटीबायोटिक इनके पास है, चाइना वालों के पास, उन्होंने हाथों हाथ बना ली थी सब कुछ। फिर उन्होंने क्या करा, इस वायरस को फैलाया, इसका सेपरेट करवाया पूरे वर्ल्ड में, और अब तक ये पूरे विश्व में लगातार आप जहाँ रेड रेड देख रहे हैं, पूरे विश्व में फैल चुका है, अधिकतर जो एरिया है ये इस टाइम चाइना के, जो चाइना का जो कोरोना वायरस वुहान वायरस बोल देते हैं, उसका जो प्रकोप इन देशों में अब तक हो चुका है। उसके बाद इन्होंने क्या करना है, ये फिर न्यूज़ में खबर आई कि चाइना ने जो कोरोना वायरस के मरीजों की जो संख्या बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, शुरू में तो उन्होंने ये 2 महीने तक तो बताया नहीं किसी को भी कि हाँ कोई वायरस है या ऐसा कुछ भी, कि हो सकता है इनकी विफलता हो, इन्होंने वायरस बनाया हो टेस्टिंग के दौरान, ये खुद ही से आउटब्रेक कर दिया हो, इन्होंने खुद ही फैला दिया हो, इन्हें पता ना चला उसका। तो ये जो है, सबसे पहले इन्होंने एक न्यूज़ आई कि चाइना ने कोरोना वायरस के मरीजों से निपटने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटल बनाया है। तो ये हॉस्पिटल की चित्र देख रहे हैं आप, इन्होंने बहुत ही जल्दी एकदम युद्ध स्तर पर ये हॉस्पिटल का निर्माण करा, और हॉस्पिटल का निर्माण करने के बाद ये जो हॉस्पिटल का निर्माण करा, ये इनका भी, ये भी इनकी रणनीति का एक हिस्सा रहा होगा। हो सकता है इन्होंने जो लोगों को दिखाने के लिए और देश को दिखाने के लिए कि हम भी इस वायरस से तत्परता से लड़ रहे हैं, वो धीरे धीरे, फिर इन्होंने 2 महीने तक इसका जिक्र भी नहीं करा चाइनीज वालों ने, जितनी भी चाइनीज एजेंसी थी, डॉक्टर्स थे, किसी ने जिक्र नहीं करा कि हाँ एक वायरस ऐसा है। और ये वायरस धीरे धीरे जो चाइनीज, तो ये पूरे देश में फैले हुए थे, आना जाना लगा हुआ था, किसी ने कोई एयरलाइंस को रोक नहीं लगा रखी थी, तो धीरे धीरे वायरस फैलता चला गया, जितनी भी यूरोपियन कंट्री सबसे पहले वहां फैला। इनका उद्देश्य रहा होगा इसके पीछे कि इन देशों में अराजकता फैलाना, यानी कि इनकी जो सरकार है, इनका सरकारी तंत्र है और देशों का, अमेरिका का, इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का, स्पेन का, तो इनमें इनकी जो सरकारी विफलता है, इसे नाकाम करना, यानी कि वहाँ की सरकार गिरा देना, उनकी सरकार पर लोग विश्वास उठ जाना कि हाँ एक वायरस नहीं इसे मरवा रहा, मगर इन्होंने इसके पीछे की साजिश रही होगी जिस तरीके से इन्होंने वायरस का फैलाव करा पूरे देश में। उसके बाद इन्होंने जो है इसके पीछे कारण यही सोचा होगा कि इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन इतना ज़्यादा हुआ कि देश की जो देश है उनकी अर्थव्यवस्था गिरी, सब कुछ लॉकडाउन हो चुका है, एयरलाइंस बंद हो चुके हैं, शिपमेंट जहाज बंद हो चुके हैं, ना ही कोई आना जाना किसी तरीके का, तो इकोनॉमिक पे तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने ही वाला था। तो चाइना ने यही चाहता था कि पूरे दुनिया का जितने भी जो बड़े देश हैं, अधिकतर बड़े देशों को बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका, कि सभी देशों के जो भी अर्थव्यवस्था है, जिनकी जिनसे उनकी मजबूत अर्थव्यवस्था है, सारी बंद हो जाए, तो सारे भी व्यापार, बिजनेस, ट्रेड सब बंद हो गया है, जिससे कि
आने वाले समय में क्या होगा कि बहुत सारे वस्तुओं की कीमतें गिरेंगी, कुछ वस्तु कीमतें बढ़ेंगी, कुछ की कम होंगी। तो जो सभी देशों ने क्या करा, वायरस को तत्परता लिया और सभी ने, हमारे कंट्री इंडिया ने भी, सभी जो फैक्ट्री थे, जो कारखाने थे, सब बंद कर दिए, क्योंकि मजबूरी थी, कोई कारखाने में उसका काम नहीं कर सकते थे ऐसी कंडीशन में, क्योंकि बारिश में लगा बहुत ज़्यादा डर था। तो लोगों ने सारे कारखाने, जितने भी फैक्ट्री थी, देश विदेश में, सब हर कंट्री में बंद हो चुके थे। उसके बाद जो है शेयर मार्केट में तेज उछाल आना स्वाभाविक था। तो चाइना ने क्या करा, जो शेयर मार्केट का जितने भी पैसा लगा, सब लोगों ने निवेश हटा लिए, अपने सारे निवेश वापस कर लिए, लोगों ने अपने अपने पैसे निकाले शेयर मार्केट से। तो बहुत ज़्यादा शेयर के मार्केट का भी बहुत बड़ा लॉस आया। हर देश का शेयर मार्केट जो है बहुत स्लो डाउन में, इस समय अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है हर देश की। तो लोग सोचते हैं पहले देश जरूरी है, लोग देश लोग जो हैं देश के जो लोग हैं, जो जनता है, उसका बचना जरूरी है, अर्थात संक्रमण को फैलने से रोकना है। तो हर कोई भी देश अभी इस ओर नहीं देख पा रहा है, इस बारे में सोच भी नहीं पा रहा है कि चाइना की साजिश है या स्लो डाउन हो रहा है इकोनॉमी में, कुछ नहीं। सब पहले लगे हैं वायरस को खत्म करो, अपने देश को बचाओ, सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है। देखिए उसके बाद चाइना ने क्या करा, चाइना ने बहुत जल्दी इस पर एकदम युद्ध स्तर पर कार्य करा, हॉस्पिटल बनवाए और इस पर एकदम रिकवर कर लिया। और उन्होंने दिखाया कि जो वुहान में जो कोरोना वायरस के मरीज मिलने थे, वो एक दिन में ही, एक मतलब एक दो रात में ही मिलने बंद हो गए, कि हमने इस पर कंट्रोल पा लिया है। और चाइना के जो भी न्यूज एजेंसी थी, जितने भी वहाँ के हॉस्पिटल थे, वहाँ से ये खबर आने लगी कि हमारे यहाँ कोई भी न्यू केसेज अब नहीं आ रहा है, और उन्होंने एकदम से इस पर संभव पा लिया। और जो इटली जैसा देश था, जिसकी जो व्यवस्था इतनी अच्छी है, हॉस्पिटलिटी इतनी बढ़िया है उसकी, वो उस टाइम उस पर कवर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसके पास इस तरह का कोई एंटीटोड नहीं था। हो सकता है चाइना के पास कोई इसका एंटीटोड हुआ हो, तो ये इससे कोई दो राय नहीं है। हो सकता है चाइना ने इसका एंटीटोड बना रखा हो, देश विदेश में देना चाह रहा हो, तो उन्होंने अपने पास से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि चाइना के पास जो इतना ज़्यादा स्लो डाउन हुआ है, तो चाइना के पास सारे संसाधन लगभग, चाइना बस जो आयात करता है वो केवल ऑयल का करता है, यानी कि उसे बाहर की कंट्री से केवल ऑयल ज़्यादा मांगना है, ऑयल की आवश्यकता। अब ये सब होने के बाद जितनी भी जो गल्फ कंट्रीज थी, उनके भी जो ऑयल के प्राइस एकदम स्लो डाउन हो गए। कच्चा तेल होता है, उस कच्चा तेल के जो बैरल हैं बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, यानी उसके रेट गिर गए, तो चाइना को लाभ था। अब चाइना जो क्या कर रहा है, चाइना के समय दिख रहा है कि सब देश अपने बचाव में लगे हुए हैं, तो चाइना ने अपने कारखाने फिर से खोल दिए हैं, उसके यहाँ फिर से रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है, वो अपने कार्य में लगा हुआ है। और तेल की इतनी ज़्यादा वो स्टाम आयात कर रहा है, तो पता है कि भविष्य के लिए बहुत काम की चीज़ है, तो वो भी अपने इसमें आयात में लगा पड़ा है। और चाइना में फिर दोबारा से जो रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, उसके फैक्ट्रियाँ जो भी उनके वहाँ कारखाने थे बंद कर दिए गए थे कुछ समय के लिए, उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में लगा हुआ है चाइना इस समय। तो चाइना की ये बहुत ज़्यादा। दूसरा, आप एक बात देख रहे हो, चाइना के जो फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड हैं, जैसे कि रशिया हुआ और जो तुम्हारा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया हुआ, तो नॉर्थ कोरिया का और जो रशिया का, ये चाइना के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, मतलब एकदम कट्टर मित्र हैं। तो आपने देखा होगा इन दो देशों में जो कोरोना वायरस के केसेज बहुत कम हैं, ना ही तो यहाँ किसी चाइनीज कोई गया केसेज लेके, गया भी एक दो पास तो इनके पास भी ऑलरेडी एंटीटेड है, या चाइना ने प्रोवाइड करा दिया होगा इसका जो भी तोड़ होगा, क्योंकि ये इसके बहुत पक्के मित्र हैं। इनके पास से अभी कोई भी ऐसी खबर नहीं आ रही, मतलब हैं केसेज, किने चुने केसेज हैं, ये टॉप लिस्ट में नहीं है, जिस तरीके से बीमारी और देशों में फैल रही है, तो ये देश क्यों अछूते रहे। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी तो इनके पास नहीं है, इटली से बड़ी टेक्नोलॉजी तो कोई से देश के पास नहीं, नॉर्थ कोरिया तो बिल्कुल खत्म है, उसके बाद भी उसमें दो तीन केसेस पाए गए मात्र। तो ये सब जो है एक साजिश के तहत अगर देखा जाए तो चाइना की साजिश है, ये चाइना के मित्र हैं, और इन्हें चाइना ने इन्हें या तो एंटीटूड प्रोवाइड करा दिया है, या इनके पास जो भी क्षमताएं हैं ये पहले ही बता दिया होगा कि वायरस कहाँ से आने वाला, कैसा आने वाला है, तो सारी चीजें इनके साथ बता रखी थी इन्हें। अब देखिए जो नॉर्थ कोरिया है और जो रशिया है, ये दो तो चाइना के वायरस, जो वायरस है चाइना वाला, इस वायरस से तो अछूते हैं, अर्थात इन पे इतना भी इसका वो नहीं है प्रकोप। जो अब जो है नेक्स्ट, अब आप देखिए कोरोना वायरस की जो केसेस हैं, अब इस समय एक यहाँ एक कैलकुलेशन देखिए, जो चाइना था सबसे पहले वायरस लेकर आया, चाइना के पास 81,000 मरीज आए। मैं इस बात के तथ्य नहीं कह रहा कि साजिश, चाइना की साजिश हो सकती है, मगर चाइना को जितना उन्होंने सोचा था कि ये वायरस केवल और देशों में फैलाना है अपने यहाँ का, उसके अपेक्षा ज्यादा हो गया, क्योंकि इन्होंने वायरस बाहर छोड़ा होगा तो इनके पास भी ऐसी व्यवस्था नहीं होनी की, क्योंकि वहाँ जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है, तो चाइना में सेपरेट से बहुत जल्दी से फैल रहा है। और जो चाइना का आंकड़ा है इस समय 81,000 केसेज बताता है, 81,340 केसेज आज की न्यूज के अनुसार, मगर यूएसए जो इससे ओवरटेक कर गया है, वो यूएसए के पास 85,612 केसेज, यही बचा रहा था कि यूएसए जो है दुनिया का टॉप मोस्ट कंट्री है,
या मास्टरमाइंड कंट्री बोल सकते हैं, एक तरीके से पूरी दुनिया पर राज करने वाला यूएसए आज यूएसए में सबसे ज्यादा महामारी फैली हुई है। चाइना का उद्देश्य यहाँ पूरा होता है। चाइना चाह रहा था कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका को प्राथमिकता दी जाती है वो चाइना को दी जाए। अब चाइना की जिस तरीके से अब ये पॉलिसीज हैं, अगर इन्हें गहराई से डीपली सोचकर देखा जाए दूरदृष्टि से, तो चाइना आने वाले समय में वर्ल्ड पावर बनने वाला है। चाइना यूएसए से ऊपर निकल जाए, क्योंकि यूएसए की एक तो इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, यूएसए के मरीज इतने ज्यादा हो रहे हैं, इसे यूएसए को भरने में बहुत टाइम लगेगा। चाइना ने अपनी सारी इन पे जो कोरोना वायरस को भी पकड़ कर ली है, उसका द्वारा से अपने इकोनॉमी स्टार्ट हो गई, उसके कारखाने स्टार्ट हो गए हैं चाइना के, चाइना अपने काम में लगा पड़ा है, देश अपने जो और बाकी देश हैं दुनिया के वो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। चाइना को पता है इसका कैसे बचना है। तो चाइना में जो डेली न्यूज में 4-5 डेथ और कुछ 100-101 केसेस डेली दिखाता है कि हमारे यहाँ अभी केसेज आ रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से मना नहीं कर सकता कि हाँ हमारे यहाँ केसेज आने बंद हो गए कुछ भी, तो कहीं ना कहीं ये इसके एक टॉप मोस्ट साजिश का हिस्सा है ये। दोस्तों मेरा जो ये अपना आकलन है, जो तथ्यों के आधार पर जो न्यूज आ रही है उनका मैंने एक विश्लेषण किया है, मैं उस आधार पर ये एक रिपोर्ट बनाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना की पक्की साजिश है या ना है, मुझे लगता है और जितनी रिपोर्ट है ये सारी बातें रिपोर्ट आप खुद देख सकते हैं, सारी रिपोर्ट कह रही है इस मामले। अभी जो है अमेरिका में एक बहुत डराने वाला आंकड़ा है, अमेरिका पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इस बात का। वहां न्यूयॉर्क में अब तक यानी कि एक ही दिन में 385 लोगों की मृत्यु हुई है और 37,000 कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, यानी कि रिपोर्ट के अनुसार 80,000 लोगों को हो सकती है मौत, यानी कि जो अमेरिका के 80,000 लोग अभी मौत की उनकी मौत निश्चित है, यानी कि कोरोना वायरस इतने लोग वहाँ इंजेक्ट हैं और ये आंकड़ा बढ़ते जाएगा। तो ये जो है सब चाइना की देन है, क्योंकि चाइना जो है अमेरिका का कट्टर दुश्मन था और ये चाहता था कि अमेरिका हमसे ऊपर न दिखे, यानी कि सारी जो कंट्रियां हैं उनमें जिनके उपनिवेश हैं जहां चाइना के अमेरिका के, तो इस पर बहुत विवाद रहता है, इनके जब पोर्ट बने हुए हैं देश विदेश में इन पर विवाद रहता है, इनकी सेनाएं हैं जहां जहां इन पर विवाद रहता है। तो चाइना और अमेरिका की बहुत तगड़ी टक्कर थी, ये इन्हें डायरेक्ट युद्ध में तो अमेरिका को कभी नहीं हरा सकता चाइना, मगर इन्होंने सोचा कि इस तरीके से कुछ ये जैविक हथियार बनाए जाएं जिससे कि लोग एकदम पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हो जाएगा उधर और चाइना अपने कार में भी निकल जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा टॉप मोस्ट की साजिश है, इसकी अपनी रणनीति रही होगी चाइना की। अभी देखिए हाल में न्यूज आई, आज ही की न्यूज है कि चाइना ने ब्लॉक की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कोरोना वायरस पर होने वाली बैठक, अर्थात जो यूएन में बैठक होने वाली थी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, इसमें बहुत से देश शामिल होने वाले थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होने वाले थे, चाइना ने ये बैठक ब्लॉक कर दी, अर्थात वो इस बैठक में जाने से मना कर रहा, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार बताएं तो पारदर्शिता की मांग को लेकर चीन स्वीकार नहीं करता, अर्थात वो अपने देश की कोई भी न्यूज किसी भी तरीके की कोई भी पारदर्शिता दुनिया के सामने आना नहीं चाहता, ये साफ कहा गया है रिपोर्ट में। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि चाइना की ये बहुत तगड़ी साजिश रही होगी इसके पीछे। दोस्तों अब मैं बताता हूँ, अब तक की न्यूज के अनुसार जो है कोरोना वायरस की जो संख्या है इस समय मरीजों की, कोरोना केसेस जो हो चुके हैं 5,40,832 केसेस अब तक आ चुके हैं, 24,293 मृत्यु हो चुकी है, 1,25,297 लोग रिकवर कर रहे हैं। अब इनमें जो कंट्री वाइज देखते हैं, देखिए यूएसए सबसे ऊपर नंबर पर है, समय यूएसए में 85,612 जो केसेस पाए गए हैं, आज में 177 केस उनके नए केसेज आए हैं, टोटल जो डेथ है वहाँ 1,301 टोटल डेथ हो चुके हैं, आज में नए 6 लोग आज वहाँ यूएसए में। इस तरीके से दूसरे नंबर पर चाइना है और उसके बाद इटली स्पेन, यानी कि यूरोपियन कंट्री जो जिनको चिंता का विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि ये विकसित कंट्री हैं, उनकी बहुत बुरी हालत है, और ये चीज़ क्रम में ईरान फ्रांस स्विट्जरलैंड यूके, इसमें कहीं भी हमें जो है नॉर्थ कोरिया और उसके दूसरे दोस्त हैं रशिया, ये नहीं आते दूर दूर तक। देखिए रशिया में भी हुई है 1,000 मृत्यु हो गई। अब हम देखते हैं भारत की, तो जो पाकिस्तान है पाकिस्तान की 1,235 और जो है आपका इंडिया उसमें 761, अभी हमारे भारत में फिर भी और देशों की अपेक्षा कम है, मगर देश भारत को अभी इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि महामारी भी बहुत बड़ा विकट रूप लेने वाली है। जो भी लोग इसे सोच रहे थे, भारत में आज कोई भी न्यू डेथ नहीं हुई, टोटल 20 डेथ अब तक भारत में हो चुकी हैं, 761 केस हो चुके हैं और आज भी 34 पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी कि इतने बड़े लॉकडाउन के बाद भी आज भी 34 केस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। दोस्तों मैंने कोरोना वायरस पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, आप उन्हें लगभग देखते रहिए और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और जितने भी सावधानी के लिए इसके बताए जा रहे सरकार के द्वारा गाइडलाइन उनको फॉलो करते रहिए, क्योंकि भारत के पास इतनी
अर्थव्यवस्था नहीं है इतना, भारत के पास संसाधन नहीं है। अगर ये कोरोना वायरस की जो महामारी अगर पूर्ण रूप से फैल गई भारत में और ये बहुत ज़्यादा विकट रूप इसने ले लिया, तो भारत के पास केवल 84,000 मरीजों पर एक बेड है अगर देखा जाए, अगर जब तमीज से हो गया तो। इसलिए दिन हमारे पास बस के बचने के दो ही उपाय हैं, केवल भारत के लिए बता रहा हूँ, एक सावधानी और दूसरा है अगर आपकी इम्यूनिटी पावर सही है, अगर आपको हो गया तो आप बच सकते हो, वो तो बहुत ही लास्ट का चांस है। ऐसा तो नहीं हो किसी के साथ तो ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर कहते रहो, इम्यूनिटी पावर भारत में किसी की ठीक नहीं है। भारत में प्रदूषण का लेवल बहुत अधिक था, भारत के लोगों का शरीर इस लायक नहीं है कि इस वायरस को झेल सके। कहने को कहते रहो कि आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक है, इम्यूनिटी पावर किसी की ठीक नहीं है भारत में, सारे भारत की इम्यूनिटी पावर खत्म है। तो इसलिए आपके पास एक ही चांस है, केवल आप इस सावधानी बरतिए, अपने घर में रहिए और जो भी आपका जो समय है उन्हें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने में व्यतीत कीजिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे एमएस नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, आप जो यूट्यूब का सर्च बॉक्स होता है उसमें एमएस नॉलेज अब टाइप करेंगे और एमएस नॉलेज अब टाइप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, यहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारी जो जितनी प्रकार की वीडियो हैं, यहाँ कोरोना वायरस पर कुछ वीडियो बना रहा हूँ, लगातार जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे प्राप्त होती है मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। और उसके बाद आप जो भी अपने जीके के संबंधित या कोई भी नौकरी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, उसी तरीके की प्ले लिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर अपने अनुरूप वीडियो देख सकते हैं। और जितने भी जो ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्ले लिस्ट अलग से है, ट्रिपल सी की मैंने वीडियो डाली हुई है, ट्रिपल सी के सेट, आप वहाँ से ट्रिपल सी की तैयारी भी कर सकते हैं अपनी। दोस्तों जो भी अभी जो भी कोरोना वायरस पर अपडेट जैसे मिलते रहेंगे मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। दोस्तों आप अपने समय का सदुपयोग करिए और सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।